hello everyone welcome to for nurses preparation youtube channel i am ritu let's start today's most important question based on topic community health nursing this is important question video number hashtag 86 if you guys wanna watch previous video you can check out description box below and my future nurses don't forget to follow us on other social media platform for more important nursing questions you can check out the description box below for the links so let's start with the question question number 1 is what is the meaning of demography gap nimnme se demography gap ka kya matlab hota hai aapke options hai a difference in sex ratio b

बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं सन 1881 में जनगणना को ही मतलब जो जनगणना हो गई थी उसी को भारत की प्रथम विविध जनगणना माना जाता है लेकिन भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हो गई थी और इसी को पहली जनगणना मानकर बाद में होने वाली जनगणनाओं की गणना की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मॉर्टिलिटी इन इंडिया भारत में इन्फेंट मोर्टिलिटी का निम्न में से सबसे मुख्य यानी मोस्ट कॉमन कॉज या कारण क्या है आपके ऑप्शन हैं ए कॉन्जेनाइटल एनोमिलीज बी पोलियो सी डायरियल डिजीज और डी प्री मैचोरिटी दैट इज एल बी डब्ल्यू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्री मेच्योरिटी एल बी डब्ल्यू प्री मेच्योर डिलीवरी का मतलब है थर्टी सिक्स वीक से पूर्व प्रसव होना होता है और बेबी को इसमें प्री मेच्योर इन्फेंट कहा जाता है मतलब अगर जो बेबी है वो थर्टी सिक्स हफ्तों से पहले ही हो जाता है तो उसको प्री मेच्योर इन्फेंट कहा जाता है यदि बेबी का बर्थ वेट जो है वो टू पॉइंट फाइव के जी से कम होता है तो इसे हम बोलते हैं एल बी डब्ल्यू यानी लो बर्थ वेट भारत में आई एम आर विच का मुख्य कारण भी एलबीडब्ल्यू को, को ही माना जाता है इसके अलावा बर्थ इंजरी एफिक्स न्योनेटल स्टेसिस आदि फैक्टर भी आई एम आर के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल इन दी एच सी सेंटर विच इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सरे एंड सी टी स्कैन बी इम्युनाइजेशन सी ब्लड टेस्ट और डी फ्री मेडिसिन and the correct option is option number A that is X-ray and CT scan. अगर हम यहाँ पर पी एच सी मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बात करें तो जो पी एच सी के काम की देख रेख करते हैं वो एक चिकित्सक अधिकारी करता है इसमें चार से छः बिस्तरों की सुविधा होती है तथा रोगों के निदान हेतु ब्लड की जांच सुविधा इम्युनाइजेशन मुफ्त दवाइयाँ वाइटल स्टैटिक्स हेल्थ एजुकेशन रेफरल फैसिलिटीज ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई यूएसजी ये जो सारी सुविधाएं हैं ये उपलब्ध नहीं होती हैं एक पीएचसी लगभग पंद्रह कार्मिक निर्धारित होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइिंग वैक्सीन मस्ट बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट मदर निम्न में से गर्भवती महिला इज प्रेग्नेंट मदर को कौन सा टीका यानी वैक्सीन आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए आपके ऑप्शन हैं ए पी वी एंड डी बी टिटानस, सी मिजल्स एंड टिटानस और डी बी सी जी एंड ओ पी वी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज टिटानस। नेशनल इम्युनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए दो टिटानस के टीके लगाना होता है टिटानस का पहला टीका प्रेगनेंसी के दौरान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाना चाहिए और टिटानस का दूसरा जो टीका है वो बूस्टर वैक्सीन कहलाता है इसको पहले वाले से ठीक एक माह बाद तक डिलीवरी से लगभग एक माह से पूर्व भी लगाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नर्स एस टी डी इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोविंग नेम निम्न में से एस टी डी रोगों को और किस नाम से जाना जाता है आपके ऑप्शन हैं ए इन्फेक्शियस डिजीज बी एयरबोन डिजीज सी वेनड्रियल डिजीज और डी जूनॉटिक डिजीज एंड द करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर सी विच इज वेनरियल डिजीज एस इसका पूरा नाम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसा कि आप सब जानते हैं और इसको हम वी यानी वेनेरियल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये जो रोग होता है ये यौन संपर्क यानी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए से एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है सामान्यतः एस में सबसे नवीनतम और सबसे भयानक जो घातक रोग है वो है एड्स ठीक है और जो वर्तमान में एस में भारत में ये ऐसा फैला हुआ है कि जैसे मलेरिया और ट्यूबर क्लॉसिस की तरह ये सबसे ज्यादा भयानक व प्रमुख स्वास्थ्य संबंध समझता बन गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोविंग मेजर्स इज अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबर क्लॉसेस निम्न में से ट्यूबर क्लॉसेस के प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन कौन से मेजर्स आते हैं आपके ऑप्शंस हैं ए डॉट्स ट्रीटमेंट बी बी सीजीनेशन सी एम डी आर ट्रीटमेंट और डी ए आर टी एंड देश ऑप्शन नंबर बी विच इज बीसी वैक्सीनेशन आजकल प्रोफिलेक्सिस की धारणा का आधार व्यापक हो गया है इसके निम्न तीन स्तर होते हैं मतलब इसको तीन स्तर पे डिवाइड किया गया है अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो वो होगा प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन में रोग उत्पन्न होने से पूर्व रोग को रोकने का प्रयास होता है जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है बी वैक्सीनेशन ये आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें तो वो होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है इसके स्तर रोग होने पर उसके इलाज करने से संबंधित प्रयास किए जाते हैं जैसे डॉट्स ट्रीटमेंट ठीक है अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें तो विच इज टर्सरी प्रिवेंशन टर्सरी प्रिवेंशन के स्तर पर ट्रीटमेंट के बाद उत्पन्न डिसएबिलिटी को समाप्त करने हेतु रिहेलीबेशन का प्रयास किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोविंग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म केसेज ऑफ मलेरिया इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया भारत में मलेरिया के निम्न में से किस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के केसेस सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके ऑप्शंस हैं ए प्लाज्मोडियम क्वाटन बी प्लाज्मोडियम विवैक्स सी प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम और डी प्लाज्मोडियम ओवेल एंड द करेक्ट ऑप ऑपन बी विच इज प्लाम अगर हम यहाँ पे मलेरिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो होगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ये निम्न चार प्रमुख प्रजातियां होती हैं अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो विच इज विजियम विवैक्स आ जाएगा इसके अंदर ठीक है इसके द्वारा होने वाला जो मलेरिया है वो सर्वाधिक यानी लगभग अगर हम माने तो 60% परसेंट अप्रॉक्सीमेटली जो केसेस होंगे वो प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से आते हैं अगर हम यहाँ पे सेकेंड की बात करें तो विच इज़ प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम इसके द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है उसमें लगभग ट्वेंटी से थर्टी केसेस केसेज होते हैं ठीक है किसके द्वारा प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम के द्वारा अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें विच इज़ प्लाज्मोडियम क्वाटन इसके द्वारा लगभग एक परसेंट केस होते हैं और अगर फोर्थ की बात करें विच इज़ प्लाज्मोडियम ओवेल इसके द्वारा उत्पन्न मलेरिया में सीजन मतलब जो सीजन में ही देखने को मिलते हैं जब इसका सीज़न आता है तभी मुख्यतः बरसात के सीज़न में इसको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोविंग डिजीज ट्रांसमिशन इज़ नॉट औरल फीको रूट मोड निम्न में से किस डिजीज़ का जो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है वो औरल फीको रूट नहीं होता है आपके ऑप्शन हैं ए ग्रेडियसिस एंड सिगॉलिस बी टाइफ फीवर एंड कॉलरा सी पोलियोमिलाइटिस एंड हेपेटाइटिस ए और डी एस टी डी एंड टी बी and the correct option is option number D which is STD and TB. Oral-fecal route. Oral-fecal ओरल रूट की जो बीमारी है उसके संचरण का एक मुख्य व कॉमन तरीका होता है इसमें जो पैथोजन है वो एक होस्ट के फीकल पार्टिकल से निकलकर दूसरे होस्ट के ओरल कैविटी में शरीर में प्रवेश कर लेता है मतलब उसके ऑरल कैविटी के थ्रू मतलब माउथ कैविटी मतलब जो माउथ है उसके थ्रू शरीर में प्रवेश कर लेगा और ये जो पार्टिकल है ये मुंह तक कैसे पहुंच सकता है मतलब डिफरेंट वे से पहुंच सकता है जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे वाटर हो गया फूड हो गया डिजीज वैक्टर डिजीज वैक्टर में अगर हम ले सकते हैं हाउस फ्लाई और या फिर पुअर हैंड वॉशिंग हो गया सेक्शुअल सकिंग आदि ये जो है इसके द्वारा पहुँच सकता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज विच ऑफ द following हार्मोन इज नोन एज किडनी हार्मोन निम्न में से किस हार्मोन को किडनी हार्मोन कहा जाता है आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन डी बी विटामिन सी सी विटामिन बी और डी विटामिन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज विटामिन डी विटामिन डी अगर हम यहाँ पे विटामिन डी की बात करें तो इसे हम किडनी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह जो हार्मोन है यह किडनी से कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है और अगर यहाँ पे हम बात करें कैलसी ट्रायल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्वेंटी फाइव ओ एच टू विच इज़ विटामिन डी थ्री इसको बोलते हैं ठीक है कैल्सिट्रॉल को विटामिन डी थ्री और वन डैश ट्वेंटी फाइव ओ एच टू ये भी कहा जाता है यह किडनी से सिक्रीट होता है यह विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म मानी जाती है यह इंटेस्टाइन की सेल को भी भोजन से कैल्शियम की आब्जॉर्बशन को प्रमोट करता है इसके अलावा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश में किया जाता है ओके नर्सिस नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैचुरल डिस इन्फेक्टेंट निम्न में से नेचुरल डिस इन्फेक्टेंट कौन सा होता है आपके ऑप्शन हैं ए बर्निंग बी सनलाइट सी बॉइलिंग और डी फिनाइल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज सनलाइट जैसा कि हम यहाँ पे बात करें कि जो बॉडी से बैड ऑर्डर यानी जो दुर्गंध है उसको दूर करने वाला जो एजेंट है उसको हम बोलते हैं डिओड्रेंट और अगर हम यहाँ पे अपने शरीर की बात करें कि जो शरीर पे अन्य जगह पर पैथोजन को मारने वाला जो एजेंट होगा उसको हम बोल देंगे डिसइनफेक्टेंड ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे बर्निंग बॉयलिंग फिनॉल फॉर्म एल्डिहाइड ये सारे इसके टाइप्स हो सकते हैं इसके अलावा अगर यहाँ पे हम सनलाइट की बात करें तो इसे एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट मतलब ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माना गया है Okay, my future nurses, that is all for today's video. If you like it, hit the like button, share, and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. And I'll see you tomorrow. And thanks for watching this entire video.